हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ड्यूटी ऑफ स्कूल के पिछले एपिसोड में हमने देखा था शहर में एलियंस अटैक का कहर इस कदर बढ़ गया था कि साउथ कोरिया की सरकार ने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे तक को भी एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा पॉइंट्स देने के बदले मिलिट्री टीम में शामिल कर लिया था बेबी एलियंस मीन्स क्रिएचर्स को मारने के लिए। अब इससे आगे की कहानी को शुरू करते हैं ड्यूटी ऑफ स्कूल सीजन 1 के आखिरी एपिसोड के साथ, जिसकी शुरुआत में हम लेफ्टिनेंट ली के चार्ज में ट्रेन हुए संजीन हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को देख पाते हैं जो कि जब क्रिएचर्स को मारने के लिए ऑपरेशन पर निकले थे। इन्हें कुछ डरे सहमे से हामिल हाई स्कूल के स्टूडेंट्स मिले थे जो कि काफ़ी डरे सहमे से थे। तब लेफ्टिनेंट ली यूहाना को इनका ख्याल रखने बोल आज रात को रुकने के लिए एक बिल्डिंग में पहुँचते हैं। तब सबसे पहले तो ये लोग पूरी बिल्डिंग छान मारते हैं कि कहीं कोई और जिंदा है या नहीं और इस बिल्डिंग में कहीं छुपा हुआ कोई क्रिएचर्स तो नहीं है ना। पर लकली फिलहाल तो ये जगह बिल्कुल सुरक्षित होती है। पर इस बिल्डिंग में कुछ 5-6 दिन पहले मरे हुए लोगों की डेड बॉडीज होती है जिन्हें फटाफट सभी इकट्ठा कर कपड़े में बांध कर इनका अंतिम संस्कार करते हैं। जिसके बाद सभी हामिल स्कूल के बच्चे से पूछते हैं कि आखिर ये लोग इधर फंसे कैसे और इनके बटालियन का कमांडर और इंचार्ज कहाँ है। जवाब में बच्चे बताते हैं कैंप से इन्हें इस जगह पर फंसे लोगों के लिए दवा और खाना लाने का ऑर्डर मिला था, ये लोग वही लेकर आ रहे थे पर तभी रास्ते में क्रिएचर्स ने इन पर हमला कर दिया था। तब इनके इंचार्ज ने इनकी मदद करने के बजाय इन्हें अकेला छोड़कर वो भाग गया। अब ये सुन सभी को बहुत ही अजीब लगता है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं। वहीं इन बातों के दौरान लेफ्टिनेंट ली इस बात से परेशान था कि शहर में कहाँ कहाँ पर लोगों के छिपने का बंदोबस्त किया गया है, ये उन क्रिएचर्स को आखिर मालूम कैसे पड़ रहा है क्योंकि एलियंस का अंडा अभी तक एग्जैक्टली उसी जगह पर गिरा है जहाँ पर लोग रह रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जब सभी स्टूडेंट्स खाना खा रहे होते हैं, हामिल स्कूल की लिनसुन नाम की एक लड़की अचानक से उठकर दूसरी ओर जाने लगती है, जिसके पीछे जब यूहाना जाती है ये देखती है कि लिनसुन यहाँ इन हालातों से थकार कर सुसाइड करने जा रही है कि तभी यहाँ पर लेफ्टिनेंट ली भी आ जाता है और यूनसुन को जब रुकने बोलता है यूनसुन रोते हुए बोलना शुरू करती है आप बड़े लोग आखिर खुद को समझते क्या है, एग्जाम में एक्स्ट्रा पॉइंट्स देने के नाम पर हमारे साथ पहले तो इतना बड़ा धोखा किया और फिर बीच मैदान में हमें उन एलियंस के बीच मरने के लिए छोड़ दिया गया, सभी बड़े सेल्फिश है आप भी हमें छोड़कर भाग जाओगे ना। और यूनसुन बोलते बोलते अचानक से अनबैलेंस होकर गोली चला देती है जो कि साइड में खड़े ऑफिसर किंग के बाजू में जाकर लग जाती है, जिस पर वैसे तो सभी को यूनसुन पर काफ़ी गुस्सा आता है पर इस बेचारे की हालत सभी शांत हो जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं यूनसुन की बातें सभी एग्री कर रहे थे। आगे किम के जख्मों को देखकर लेफ्टिनेंट ली जब मदद के लिए अपने कैंप में कांटेक्ट करने की कोशिश करता है इससे सामने से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, जिस पर लेफ्टिनेंट ली समझ जाता है एक बार जो ऑपरेशन पर निकल गया उनके साथ क्या हो रहा है किसी को कोई मतलब नहीं है। इसलिए लेफ्टिनेंट ली इसी वक्त सभी स्टूडेंट्स को इकट्ठा कर बोलता है कल सुबह होते ही तुम सभी कैंप में वापस लौट जाओगे। बाहर जैसी सिचुएशन बनी हुई है, पता नहीं कब कितने क्रिएचर्स हमला कर दे, मैं शायद इस बार सारी चीज़ों को मैनेज ना कर पाऊँ, जिस पर इसके सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं हमें आप पर और खुद पर दोनों पर भरोसा है, अगर हम कल लौट गए तो हमारी जगह किसी को तो ऑपरेशन के लिए भेजा ही जाएगा, हम मरे या फिर वो लोग मरे क्या ही फ़र्क पड़ता है, वैसे भी हमारे फॉर्म में ये साफ साफ लिखा हुआ था अगर आपने गवर्नमेंट के ऑर्डर के खिलाफ जाकर हमें वापस भेजा तो आपको भी मौत की सज़ा मिलेगी, इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि आगे जो हो हम लोग सब मिलकर सामना करेंगे। जिसे सुनकर लेफ्टिनेंट ली और अफसर किम दोनों ही भावुक हो जाते ये बोलते हुए कि इनके बच्चे कितने समझदार हो गए ना। उसी रात जब यहाँ पर नारा और किमची छत पर निगरानी पर थे, नारा को अचानक से अपने पास से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ा वाला क्रिएचर दिखता है जिसके अंदर से पर्पल कलर की लाइट जल रही थी और ये लाइट आसमान से एक अंडे को अपनी तरफ आने के लिए सिग्नल दे रही थी, जिसे देख इन्हें फिलहाल तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। तब ये फौरन नीचे जाकर सभी को ये सारी बातें बताते हैं, जिसे सुनकर सभी काफ़ी सोच विचार कर अब सभी को ये समझ में आता है कि दरअसल सबसे पहले शहर में ये बड़े वाले क्रिएचर आए, फिर उन्होंने अपने सेंस से इंसानों का पता लगाया जो कि इनके बच्चों का पेट भर सकते थे मीन्स कि इंसानों का खून पीकर, और फिर जहाँ भी इन्हें इंसानों के होने की महक लगती है ये अपने अंडे को सिग्नल देकर उसी जगह पर बुलाते हैं जहाँ इनके बच्चे उतर कर अपना पेट भरते हैं,
सभी इंसानों का खून पीकर। अब यहाँ इनके इतना तो पता चल चुका था कि अंडे को इंसानों के बारे में कैसे पता चलता है, पर दिक्कत ये थी कि अगर कल को उन्होंने अटैक किया तो एक साथ इतने सारे क्रिएचर्स को कैसे मारा जाए, क्योंकि एक एक करके मारना तो पॉसिबल नहीं है। तब काफ़ी सोच विचार करके लेफ्टिनेंट ली को आइडिया आता है, जिसके अकॉर्डिंग इन क्रिएचर्स को एक साथ मारने का सिर्फ एक ही रास्ता है, किसी तरीके से सभी बेबी एलियंस को एक ही बिल्डिंग में इकट्ठा कर सभी को डायनामाइट से उड़ा दिया जाए। अब ये प्लान सुनते ही सभी काम पर लग जाते हैं। ये लोग जिस बिल्डिंग में छिपे हुए थे, अपने ठीक सामने वाले बिल्डिंग में पहले तो पूरी तरीके से चारों ओर डायनामाइट फिट करना शुरू कर देते हैं। तो कुछ स्टूडेंट छत पर जाकर आसमान में नज़र रख रहे होते हैं कि जब तक नीचे बॉम्ब फिट ना हो जाए, कहीं वो अंडा आसमान से गिर गया तो उनका ध्यान भटकाया जा सके। वैसे तो यहाँ इनके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इस एरिया के नज़दीक वाले अंडे को करीब इनके नज़दीक गिरने में अभी 2 घंटे का वक्त लगने वाला था। उसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स अपने अपने काम पर लगे हुए थे, पर यहाँ दिक्कत तो तब होती है जब जो क्रिएचर 2 घंटे में गिरने वाले थे वो महज अब आधे घंटे में गिरने वाले को तैयार थे, क्योंकि आसपास इंसानी खून की महक सूंघकर बड़ी वाली क्रिएचर सिग्नल देकर अपने बच्चों को तेजी से यहाँ बुला रही थी। अब ये सुन सभी की तो हालत यहाँ पर ख़राब हो जाती है, इनके हाथ तक काँपने लग जाते हैं, क्योंकि बिल्डिंग के कुछ हिस्सों में बॉम्ब अभी भी प्लांट करना बाकी ही था, जिसे देख लेफ्टिनेंट ली ऑफिसर किम को जबरदस्ती बच्चों को लेकर फौरन ही सामने वाली बिल्डिंग में सुरक्षित पहुंचने को बोलता है। बाकी का बचा डायनामाइट लेफ्टिनेंट यहाँ पर खुद ही फिट करके आ जाएगा। अब यहाँ बच्चों और ली का इमोशन एक दूसरे से अब तक में इस कदर जुड़ चुका था कि ये लोग लेफ्टिनेंट ली को छोड़कर रिस्क नहीं लेना चाहते थे, पर फिर भी यहाँ पर इसके ऑर्डर पर सभी स्टूडेंट सामने वाली बिल्डिंग में पहुँचने से पहले अपना आखिरी काम ख़त्म कर निकल जाते हैं। जिस बिल्डिंग में इन्होंने डायनामाइट फिट किया था उसी बिल्डिंग के नीचे स्पीकर ऑन कर देते हैं, पार्किंग में लगे कार को तोड़फोड़ करना मचा देते हैं ताकि आसपास जितने भी क्रिएचर हैं इनकी आवाज़ों को सुनकर कहीं और जाने के बजाय ठीक इसी बिल्डिंग में घुसे। इसी बीच आसमान से एक और अंडा आकर गिरता है और सभी भूखे बेबी एलियंस हजारों की तादाद में इसी बिल्डिंग की तरफ आना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर बच्चे तो सुरक्षित इस बिल्डिंग से निकल जाते हैं पर लेफ्टिनेंट ली फंस जाता है। ये चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाता है, पर ये पूरी बिल्डिंग में डायनामाइट फिट करके खुद को एक कमरे में पैक करके माइक के जरिए सभी को कॉन्टेक्ट करके बताता है कि इसके बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है और अभी सारे क्रिएचर्स इनके प्लान के अकॉर्डिंग बिल्डिंग में घुस चुके हैं, इसलिए बॉम्ब के बटन को पुश कर इस बिल्डिंग को जितना जल्दी हो सके उड़ा दे, वरना जो बेबी क्रिएचर्स इतनी मुश्किल से इनके जाल में फंसे हैं कहीं वो बाहर ना निकल जाए, तब यहाँ बाकी सबकी जान खतरे में आ जाएगी। अब ये फैसला लेना जो कि काफ़ी टफ था, किसी की यह हिम्मत नहीं हो रही थी कि जिस लेफ्टिनेंट ली ने अब तक इनके लिए इतना कुछ किया है आज उन्हें ये लोग नहीं बचा पा रहे। ये सीन काफ़ी भावुक हो जाती है, जहाँ अब एपिसोड के आखिर में लेफ्टिनेंट ली के आखिरी ऑर्डर को फॉलो करते हुए ये लोग बम के बटन को पुश कर देते हैं, जहाँ लेफ्टिनेंट ली के साथ पूरी की पूरी क्रिएचर से भरी बिल्डिंग ब्लास्ट कर जाती है। और इसी सैड एंडिंग के साथ ये सीरीज और इस सीजन का ये आखिरी एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है।